तो देखिए गाइस, ये है डिस्कवर गाड़ी, डिस्कवर 125 एचटी गाड़ी है ये। ये हमारे पास आई थी इंजन होने के लिए, तो इसका हमने इंजन कर दिया है, पर इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है। जैसे कि आप देख रहे हो, गाड़ी एकदम ओके है, खड़ी है कुछ दिनों से, इस वजह से गंदी लग रही है। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसका डिस्क होता है जो डिस्क देखिए, ये हल्की सी ब्रेक मारते ही जाम हो जा रहा है। तो इसका हम आज मैं आपको कुछ प्रॉब्लम इसके बताऊंगा, और क्या चेंज होगा क्या नहीं चेंज होगा इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए गाइस, ये डिस्कवर है, इसका हमने फुल इंजन किया था, और देख सकते हो आप, जो आप देखो ये, जैसे कि हल्की ब्रेक दबा दोगे उसके बाद आपको ये जो देख रहे थे, ये भाई साहब कहीं गाड़ी से काम करा के हैं, तो ये जो एयर निकलता है नट, ये टूट चुका है। तो इसका हम अब नया क्लिपर डालेंगे, देखेंगे पहले, जैसे कि इसी को अगर वेल्डिंग से निकल सकता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसके अंदर नया क्लिपर डालेंगे और फिर इसका हम डिक्स बनाएंगे, सही कर देंगे। अगर वीडियो में कुछ जानने के लिए पूरी वीडियो देखनी है आपको, तो लाइक कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जैसे कि जब नया क्लिपर लगाएंगे तब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे काम करता है, कैसे नहीं, कि चेंज करने का फ़ायदा है कि नहीं फ़ायदा है। तो ये देखिए, डिस्कवर 125 एचटी गाड़ी है, ये रही दुकान, तो देख सकते हो।